हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई हम हैं रास्ते में और हम पहुंच रहे हैं एक रेस्टोरेंट, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था पिछले व्लॉग में। तो हम वहां पे पहुंचते हैं और आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाले हैं इस व्लॉग में। तो उस रेस्टोरेंट का प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, राइट? और उस रेस्टोरेंट का नाम है अपना इंडियन रिपब्लिक कैंटीन। तो ये वेजिटेरियन है, फ्यूजन स्ट्रीट फूड भी देता है और दिल्ली का पहला वेजिटेरियन बूफे है। बूफे में बहुत सारी, मतलब कि वैसे जैसे बाकी जगहों पे होता है वैसा बूफे नहीं है, वो बूफे है एक्चुअली में जो सोल फूड होता है ना, जो बंदा खाता है, जो खाता ही खाता है हर बूफे में, 100 चीज़ें लगने पे भी वो चीज़ें रखी हुई हैं खाने की। और बाकी जो इनका आला कांटे में जो मेन्यू है, जो क्या डिशेज हैं, वो भी फ्यूजन, वो बड़ी मतलब कि मस्त चीज़ें हैं एकदम बढ़िया से। रेट भाई साहब 150, 200, 250, दैट्स इट, ऐसे वाले रेट हैं। कॉफ़ी भी मिलेगी, कटिंग चाय भी मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे। अगर आपकी फैमिली वेजिटेरियन है और अगर आपको कहीं किट्टी पार्टी करनी है या कुछ भी करना है ना वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, या किसी का डिनर होस्ट करना, कुछ भी करना है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बेस्ट डील लेके दूंगा। मतलब डील क्या लेके दूंगा, वैसे ही सस्ता है, बट ये है कि अगर आप मुझे बोला होगा तो मैं भी आ जाऊंगा साथ में। मतलब 15-20 बंदों की अगर कोई बुकिंग कराया होगा तो मैं खुद स्पेशली आपके पास मतलब उस दिन आऊँगा, मैं भी अपनी फैमिली ले आऊँगा उस दिन खाने खाने के लिए। तो बड़ा आप आना, ज़रूर ट्राई करना जोमेटो पे या फिर स्विगी पे, पता नहीं मुझे पता कितनी दूर कहाँ से देख रहे हो आप, बट वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके मतलब कि मुझे बताना कि आपको कैसा लगा जब भी आप सीपी जाओ, इंडियन रिपब्लिक कैंटीन। अब चलते सीधा रेस्टोरेंट और कुछ फूड ब्लॉगर से भी मिलवाएंगे आपको, सुकृति मिलवाएगी, शिखा भी आएगी, सब आएंगे और वहीं आपको फूड दिखाते हैं यहाँ का, फिर आप डिसाइड करना कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। चले आ जाओ। हम लोग पहुँच गए हैं और ये रेस्टोरेंट है सीपी के आउटर सर्कल पे और हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अंदर लेके जाते हूँ आपको, एंट्री भी दिखाऊंगी उसकी कैसी है ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये रेस्टोरेंट है। चलो है भाई इंडियन रिपब्लिक कैंटीन, दैट्स द ब्लू डोर ओवर देयर, यहाँ से हम एंटर करेंगे और आपको अंदर दिखाते हूँ फटाफट एक लुक कैसी है। हे गाइस, तो शिखा दीदी भी आ गई हैं फाइनली। फाइनली और जितन बैठा हुआ है सब ब्लॉगर्स के साथ अटेंड करते हुए। चल रहा है ये है इसके स्टार्टर्स, चीज स्प्रिंग रोल, चीज स्प्रिंग रोल है, मैक एंड चीज है, देखो ये मैक एंड चीज है। अच्छा, ओ ग्रेट, नाइस। और ये आई है इनकी दूसरी डिश, मुझे नहीं पता ये क्या है लेकिन बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। कैसे है शिखा दी? मस्त चीज़ ना। ऐड तो काट रहे हैं और फोटो भी क्लिक कर लिया जोमेटो के लिए। ये आ गया है, क्या ये तू दीपन तू डाल तीनों पूरा हाथ आ रहा है तेरा, बिल्कुल हाथ लगा। वाओ भाई, जो भी है अमेजिंग है। ये यहाँ पे सारे आपको फ्यूजन फूड्स ही मिलेंगे। ग्रेट। ये भाई समोसा, बहुत ही यूनिक दिखने वाला समोसा है ये। तो कैनोली समोसा, कैनोली समोसा जो भी है बहुत यूनिक है। ग्रेट। कड़ी कचौड़ी अमेजिंग वाली है, अभी हमने खाई है, रिपीट आई है अभी। और ये तो देखने में अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत यूनिक लग रहा है। करो करो कट करो। और ये शिखा दी यूनिक समोसा कट करते हुए बिखेर दिया। वॉफल ब्रेड पकौड़ा और ये है मिसल पाव, अमेजिंग लग रहा है भाई। ऐसे ही आपको सारे फ्यूजन फूड्स ही दिखने को मिलेंगे यहाँ पे, कोई भी सीधी चीज नहीं दिखेगी। तो ये है भाई साहब महाराष्ट्र की जान मिसल पाव और एकदम स्पाइसी होगा, बढ़िया वाला। शिखा जी क्या हो गया? ये ना कैमरा के पीछे ब्लूपर्स होने।
कुछ हुआ नथिंग नथिंग तो मेरा ये ढक्कन कवर लेते हो ध्यान दीजिए उसके पीछे ढक्कन है और एक खुलती ही जाना है भाई सिर्फ आप सनग्लासेस थोड़ा ना पहनते हो वो भी तो पहनेगा और मनी भाई साहब आ गए हैं बहुत लोगों ने बोला मनी नहीं दिख रहा आपके ब्लॉग में दिख गया आज है भाई जोधपुर की शान मिर्ची वड़ा क्या बोल रहे थे ही इज बिजी इन हिज ड्यूटी ये भाई कटिंग चाय इनके कप्स देख लो जरा एक बार कप्स देख लो जरा मैं तो कह रही हूँ मतलब क्या बात है ये कटिंग चाय मस्त वाली इन द मंकी स्टाइल कप्स कौन पीना चाहेगा शिकारी चाय एक बार ना ऐसे कप्स में घर पे रख लो अपने शायद दुआ को पसंद आ जाए वो तब भी नहीं पिएगा क्या मतलब पीले नहीं तो अब तो मैं पिलवा दूंगी पक्का जबरदस्ती जबरदस्ती ऐसे वाला पियो पर जाएगी चाय हाय निकिता पियो 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 प्लीज हैव अ ड्रिंक गुड ग्रेट आओ प्लीज हैव अ सीट लो यार हाँ जी आई होप कि आपने बहुत सारा फूड देखा होगा सुपर दिन दिखाया होगा मेरा इवेंट है तो मैं बिजी हूँ मैं हर जगह देख रहा हूँ टेबल पे तो अगर आपको भी ट्राई करना है वेजिटेरियन बढ़िया वाला खाना ना तो यहाँ पे आओ अब सुपर दिन आपको दिखाएगी बुफे वेज वाला बुफे की वेज बुफे में क्या क्या है और सबसे खास बात पता क्या है बुफे में इनका मेन्यू रोज़ चेंज होता है रोज़ डेली तो बोर नहीं हो गए तो आ जाओ ट्राई कर लो एक फ्रेंड आई थी ना भाई ये पूरा का पूरा सेट 17 अक्टूबर हमारे फ्रेंड है अगर आपका भी 17 अक्टूबर आता है कमेंट कर दो भाई बुफे स्टार्ट हो रहा है इनका ओ वाओ इडली ये कितनी सही लग रही है टमाटर वाली नारियल चटनी सांबर ये बहुत गरम है ये है भाई सांबर वड़ा सांबर के साथ ये सारी चीजें हैं और पापड़ सैलेड पनीर टिक्का मसाला ये है कोल्हापुरी मिक्स वेज कोल्हापुरी दाल मखनी क्या बात है ये तो भैया हर जगह की शान है ना सही है क्या लोगों की जान होती है बढ़िया नेक्स्ट है मंचूरियन चाइनीज अगेन ये बहुत गर्म है यार मंचूरियन नूडल्स अमेजिंग भाई ये तो मस्त है और तंदूरी स्पेगेटी वाओ यम्मी सेम रिएक्शन एंड बॉइल्ड राइस चलो भाई जबरदस्त सा मेन्यू है वेट नहीं हो रही है ब्लॉग से ब्लॉग लग रहा है और भाई निकिता सबसे अच्छा क्या लगा मैंने सब खा रहे तो पूरा मेन्यू खा रहा था टेस्टिंग फिर भी बेस्ट क्या लगा मुझे तो छोले बहुत पसंद है अमृतसरी ना छोले या तो यम द कुलचार हां द कुलचार रियली क्रिस्पी मजेदार हां बहुत बढ़िया चलो
How is it, guys? हाँ गरम होगा यमुना फाइनली दुआ जी ने पहला कुछ खा लिया है दाल टाकोज दाल पकवान टाकोज सब ने खाना वाना खा लिया है सब ने इंजॉय कर लिया है सबके ऑलमोस्ट जाने का टाइम आ चुका है इंडियन रिपब्लिक कैंटीन अगर आप लोगों को भी यहाँ का खाना इंजॉय करना है फ्यूजन फूड तो फटाफट आ जाओ आउटर सर्कल में अवेलेबल है ये और एम्बियंस इज वेरी गुड फूड इज वेरी गुड फ्यूजन इज सुपर अमेजिंग जल्दी से आ जाओ इंट्रोडक्टरी प्राइस इनका लॉन्च प्राइस है 495 रुपीज अमेजिंग बुफे का प्राइस है जल्दी से आ जाओ फटाफट फाइनली शिखा दीदी भी जा रही है पर जल्दी मिलेंगे आप बहुत जल्दी हो सकता है हम कल मिले क्योंकि कल हमारा एक शूट है तो मेरा भी कंफर्म नहीं है कुछ भी बिकॉज पवित का थोड़ा सा डाउटफुल है कि आंटी को भेज देना अगर मैं आई तो आ जाऊंगी नहीं तो फिर मैं घर पे ही मिलूंगी आप लोगों को तो भाई इवेंट हो गया खत्म और अब हम चल रहे हैं भैया पवित को लेने के लिए क्योंकि बहुत देर हो गई और वहाँ पे वो मस्ती कर रहा है चलते सीधा घर पे और देखते हैं भाई क्या उदम मचा रखा उसने वहाँ पे